तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बताते हैं। चित्रकूट में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गोलीकांड के आरोपियों को बचाने के लिए निर्दोष युवक को पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर दिया है। चौकी इंचार्ज की बेरहमी यहां पर सामने आई है। 3 दिन से कमरे में बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई। थर्ड डिग्री के दौरान युवक के गुप्तांग पर पेट्रोल डालने का भी परिजनों ने आरोप लगाया है। परिजनों ने पुलिस अधीक्षक से चौकी इंचार्ज शिवरामपुर की शिकायत की है और शिवरामपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको इस वक्त चित्रकूट से, जहां पर चित्रकूट में पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया है। गोलीकांड के आरोपियों को बचाने के लिए एक निर्दोष युवक को यहाँ पर पकड़ लिया गया। पुलिस ने इसको थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया है। आपको बता दें कि चौकी इंचार्ज की बेरहमी यहां पर साफ तौर से देखी जा सकती है, साफ सामने आई है। 3 दिन से इस युवक को बंधक बनाकर कमरे में रखा गया। बेरहमी से इसके साथ मारपीट की गई, इसको निर्वस्त्र करके इसकी पिटाई की गई है। थर्ड डिग्री टॉर्चर भी किया गया है। और आपको ये भी बता दें कि इस दौरान इस युवक के गुप्तांग पर पेट्रोल डालने का परिजनों ने आरोप भी चौकी इंचार्ज पर लगाया है। पुलिस अधीक्षक से चौकी इंचार्ज शिवरामपुर की शिकायत की गई है। शिवरामपुर चौकी का ये पूरा मामला बताया जाता है। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको चित्रकूट से। तो चौकी इंचार्ज शिवरामपुर बेहद वाहियात किस्म का एक शख्स है। आपको बता दें कि यह पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। यह सिर्फ नाम राम नरेश, ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राम नरेश, वाकई में पुलिस का एक बार फिर से अमानवीय चेहरा सामने आया है। लगातार परिजनों ने शिकायत की है इस पूरे मामले को लेकर। पुलिस अधीक्षक का क्या कुछ कहना है पूरे मामले में? आपको बता दूं, जब पुलिस अधीक्षक ने तो इस मामले में किसी भी तरह से बोलने से इनकार कर दिया है, लेकिन जो पेटों के मुताबिक ये विजय खान को पुलिस यह एक खड़ी गांव का रहने वाला है और ये के यादव के ऊपर गोली मारी गई थी, सुरेश यादव के ऊपर गोली मारी गई थी 8 फरवरी को, जिसको पुलिस पकड़कर ये विजय कांत को ले आई थी, जो 3 आरोपियों के खिलाफ जबकि नामजद FIR दर्ज हुई थी, किंतु उनको बचाने के लिए वहां के दरोगा प्रेमचंद उनको पकड़ लाए थे घर से और इसके साथ मारपीट की गई है और इस तरह से अमानवीय कृत्य किया गया है। ये आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त हमारे साथ SSP झा जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। झा साहब, स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर आपका। तो झा साहब ने फोन ही काट दिया, दोबारा इनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राम नरेश, आप अपनी बात पूरी कीजिए। जी, तो आपको बता दूं कि इसके साथ इस तरह से पुलिस के द्वारा अमानवीय व्यवहार किया गया है कि इसको 3 दिनों तक चौकी में ही रखा गया है, शिवरामपुर चौकी में, और इसके साथ मारपीट की गई है, यहाँ तक कि इसके कपड़े उतरवा करके और गुप्तांगों में पेट्रोल डालकर मारा गया है। और इनकी जो पीड़ित की माँ का आरोप है कि पुलिस ने लगातार 3 दिनों तक मारा है और ये कहलवाना चाह रहे थे कि जो आरोपी है जिनके नामजद FIR है उनको बचाने के लिए इसके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि आखिर ये जुर्म कबूल कर ले कि उन्होंने नहीं मारा है बल्कि मैंने मारा है, इस वजह से विजयकांत त्रिपाठी के ऊपर इस तरह से थर्ड डिग्री का प्रयोग किया गया है, जो एक तरह से अमानवीय कृत्य है और पुलिस ने बहुत ज्यादा अमानवीय कृत्य किया है। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए, अपडेट्स आपसे लेंगे। और इसी बीच हम अपने दर्शकों को जानकारी दे दें कि SSP झा साहब को हम लगातार संपर्क कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि जिस ये चित्रकूट पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है। तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया, फोन ही नहीं उठाया। तो चित्रकूट में पुलिस का ये अमानवीय चेहरा सामने आया है। SSP झा साहब को हमने फोन लगाया, उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है आपके क्षेत्र में और ये किस तरह का अमानवीय चेहरा आपके क्षेत्र में सामने आ रहा है और क्यों कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको चित्रकूट से बता रहे हैं, जहां पर आपको बता दें पुलिस का यह अमानवीय चेहरा सामने आया है। गोलीकांड के आरोपियों को बचाने के लिए निर्दोष युवक को पुलिस ने थर्ड डिग्री टॉर्चर किया है। चौकी इंचार्ज की आपको बता दें यहाँ पर बेरहमी सामने आई है। 3 दिन से कमरे में युवक को बंधक बनाकर युवक को बेरहमी से निर्वस्त्र कर उसकी पिटाई की गई। थर्ड डिग्री टॉर्चर उसको किया गया और इस दौरान आपको बता दें कि युवक के गुप्तांग पर पेट्रोल डालने का परिजनों ने गंभीर आरोप लगाया है। और हमने इस पूरे तमाम मसले को लेकर SSP से बातचीत करनी चाहिए तो उन्होंने फोन ही रिसीव करना मुनासिब नहीं समझा। एक बार उन्होंने फोन रिसीव किया
जब उनको पता चला कि हम स्वराज एक्सप्रेस चैनल से उनका पक्ष जानने के लिए, चलिए बड़ी खबर बताते हैं। चित्रकूट एसएसपी झा का बयान सामने आया है इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस पिटाई की खबर गलत है, यह एसएसपी झा ने कहा है, पुलिस पिटाई की खबर को गलत बताया है एसएसपी झा ने। तो चित्रकूट एसएसपी झा का बयान सामने आया है इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो पुलिस पिटाई की खबर को यहां पर एसएसपी ने गलत बताया है इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। चित्रकूट एसएसपी झा का बयान सामने आया है, तो पुलिस पिटाई की खबर को यहां पर एसएसपी ने गलत बताया है, तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। तो चित्रकूट में पुलिस का जो अमानवीय चेहरा सामने आया था उसको लेके एसएसपी झा का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जिस तरह की ये जो खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत है, ये कहना है चित्रकूट एसएसपी झा का। तो स्वराज एक्सप्रेस पर एसएसपी ने ये बयान दिया है इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे चैनल पर। आपको बता दें फोनों देने से उन्होंने साफ इनकार कर दिया, पुलिस पिटाई की खबर को एसएसपी झा ने सरासर गलत बताया है। पुलिस पिटाई की खबर को एसएसपी झा ने गलत बताया स्वराज एक्सप्रेस पर, उन्होंने फोनों देने से इनकार किया।